हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। कोरोना के बीच फिर भी ठीक ठाक और फर्स्ट क्लास रहे होंगे। दोस्तों, आप जैसे जानते हो, जब भी हमें आवश्यक हो रस्सी को कई तरीके से यूज करते आ रहे हैं, चाहे किसी में बांधना हो, किसी ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना हो या चढ़ाई के वक्त, रॉप हमेशा यूजफुल साबित होता है। फिर भी यदि हम रस्सी को सही तरीके से कॉइल ना कर पाएँ, जरूरत के समय दिक्कत आ सकती है और टेक्निकली रस्सी को कॉइल ना कर पाएँ तो उलझन को सुलझाते सुलझाते हमारा समय भी बर्बाद हो जाएगा। उसी रॉप कॉइल को कैसे आसान तरीके से कर पाएंगे वही सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त गोविंद। मजा आ जाएगा, चलो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्लाइंबर कॉइल। इस कॉइल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। रस्सी के आखिरी एंड में हाथ के लंबाई के अनुसार छोड़ देना है इस तरह, और दोनों साइड में लपेटा देना है। हर कॉइल दो स्टेप में फिनिश होता है। पहले स्टेप में रस्सी को इस तरह लपेट लेना है, दूसरी स्टेप में कॉइल को गठन लगाना है। ये जो क्लाइंबर कॉइल हम बना रहे हैं, ये बटरफ्लाई कॉइल से शुरू होता है। ध्यान से देखने पर आपको समझ आ जाएगा। बाएं तरफ एक बार, दाहिने तरफ एक बार आपको फ्लैकिंग करना है। रस्सी की फ्लैकिंग खत्म होने से 2 मीटर पहले एक हाथ में सारे रस्सी को समेट लेना है इस तरह। फिर रनिंग पार्ट को रॉप के चारों ओर लपेट देंगे। उसमें एक लूप दिखाई देगी जिसमें रनिंग पार्ट को अंडर लूप करेंगे। अब फिर से एक लूप बन के तैयार हो जाएगी जिस पर रनिंग पार्ट को डाल के वही रस्सी को लूप में हो करके बाहर निकाल देंगे। अब रस्सी के दोनों छोरों को हार्नेस की तरह हमारे बॉडी में फंसा लेंगे और रिब नॉट करके टाइट कर लेंगे। आप ध्यान दीजिए, जब भी हम दोनों छोरों को हमारे सीने पर लपेटेंगे, दोनों छोरों क्रॉस होनी चाहिए। चेस्ट हार्नेस क्या है, रेस्क्यू हार्नेस क्या है, कैसे गठन लगाते हैं, जानने के लिए आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ये बनके तैयार हुई हमारे क्लाइंबर कॉइल। इसे कॉइल करना जितनी आसान है, खोलना भी उतनी ज़बरदस्त है। आमतौर पर इसे चढ़ाई वक्त यूज करते हैं, पर रेस्क्यू के दौरान ये कॉइल बहुत ही ज़रूरी है। आगे फिगर ऑफ 8 कॉइल बटरफ्लाई कॉइल कैसे करना है सीखेंगे। रस्सी को स्टोर रूम में कैसे कॉइल करके स्टोर करना है सीखने के साथ साथ रॉप कॉइल करने के कोई ट्रिक बताया हूँ। वीडियो को अंत तक देखते रहे। इस कॉइल को जहाँ पर रस्सी को यूज करने की ज़्यादा ज़रूरत ना हो रहा हो, इस तरह कॉइल करके स्टोर रूम में ज़्यादा समय तक किसी ऑब्जेक्ट के साथ लटका के रख लेंगे। इसकी बनावट हूबहू क्लाइंबर कॉइल की जैसी है, पर गठन अलग है, ध्यान रखिएगा। यह है बटरफ्लाई रॉप कॉइल या रस्सी की कुंडली। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा लंबी रस्सी है और हमेशा किसी ना किसी तरह ज़रूरत हो रही हो तो इस कॉइल को अपनाना चाहिए, क्योंकि सही बटरफ्लाई कॉइल कभी भी उलझन होने के झंझट नहीं रहते। इसी की पहली स्टेप क्लाइंबर कॉइल की तरह करने के बाद दूसरी स्टेप 2 छोटी बड़ी लूप रनिंग पार्ट के ऊपर करेंगे, जिसमें छोटी लूप इनसाइड की ओर और बॉडी लूप आउटसाइड की ओर होना चाहिए। अब बॉडी लूप के ऊपर रस्सी को लपेटना शुरू करेंगे। आखिर में उसी लूप के अंदर रनिंग पार्ट को डाल देंगे। अब छोटी लूप को खींच के टाइट करेंगे। ये बन के तैयार हो गया बटरफ्लाई कॉइल। इसे तैयार करना जितनी आसान है, खुलने भी इतनी आसान है। सिर्फ इसकी दोनों लूप को ढीली कर लीजिए। अब देखते हैं फिगर ऑफ 8 कॉइल। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कम लंबाई और कम मोटाई रस्सियों को फिगर ऑफ 8 कॉइल में शामिल कीजिए, क्योंकि इसमें उलझन होने की ज़्यादा खतरा रहती है। फिर भी ये एक सिक्योर कॉइल है। सही फिगर ऑफ 8 कॉइल हमेशा आपको सिक्योर सर्विस प्रोवाइड करेगी। नॉट या गठन के ऊपर और जानकारी पाने के लिए आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, उसे टच करके चेकआउट कर सकते हैं आप। अब हम जितने सारे कॉइल के ऊपर चर्चा किए हैं, सब की सब बनावट की तरीका, खुलने की तरीका आसान है और सिक्योर है। अब आपकी मर्जी है, आप किस तरह रस्सी को स्टोर करना पसंद करेंगे। तो आज की इस वीडियो में कौन सा रॉप कॉइल ट्रिक आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ऐसे ही लाइफ सेविंग और सेल्फ प्रोटेक्टिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे रखिएगा ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। मिलते हैं दोस्तों नए एक फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।